शाहरुख और गौरी की मन्नत रह गई अधूरी, जज के दो शब्द ने दुनिया कर दी खत्म। जी हां, नहीं मिल पाई आर्यन और उनके दोस्तों को आज भी जमानत। आर्यन खान की रिहाई को लेकर शाहरुख खान और गौरी खान का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के लाडले आर्यन खान की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज हो गई। बुधवार को जज वीवी पाटिल ने दोपहर बाद करीब 2:45 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 14 अक्टूबर को मामले में दो पक्षों की जिरह पूरी हो गई थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कानूनी जानकारी से लेकर फैंस को भी यही उम्मीद थी कि जज आर्यन की रिहाई को लेकर फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। दिलचस्प बात ये भी रही कि 5 दिन से अधिक वक्त लेने के बाद जज वीवी पाटिल ने कोर्टरूम में आकर सिर्फ दो शब्द कहे और इन दो शब्दों ने शाहरुख गौरी की मन्नत को चकनाचूर कर दिया। करीब 3:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्द ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने सिर्फ दो शब्द कहे, बेल रिजेक्टेड। जज सिर्फ इतना कहकर वहां से चले गए। वकीलों को बताया कि ये ऑपरेटिव ऑर्डर है और आर्यन के साथ ही बाकी दो आरोपियों अरबाज और बुनबुन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।